भाइयों बहनों, ये धरती महान साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु जी की जन्मस्थली भी है। अभी उनके सुपुत्र जी के द्वारा मुझे मशहूर उपन्यास मैला आंचल मुझे भेंट किया गया। उस मैला आंचल में लिखा है और बहुत ही सटीक तरीके से फणीश्वरनाथ जी ने लिखा है, मैं साधना करूंगा, मैं साधना करूंगा ग्रामवासिनी भारत मां के मेले आंचल तले, मैं साधना करूंगा ग्रामवासिनी भारत माता के मेले आंचल तले। आप सोच रहे होंगे इस चुनाव सभा में भी मैं फणीश्वरनाथ जी की उनके साहित्य की चर्चा क्यों कर रहा हूं, लेकिन इस वाक्य के पीछे जो भाव है, जो शब्द है, वो हम सबकी प्रेरणा है, महत्वपूर्ण है। भारत माता ग्रामवासिनी मैला अंचल और साधना। भाइयों और बहनों, आज ये पंक्तियां इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ लोगों को आजकल भारत माता की जयकारा पर भी उनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं, उनको दर्द होने लगता है। जिन्हें भारत माता से दिक्कत होगी, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे लगाने वालों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, वो भारत के विकास के लिए साधना भी कैसे कर पाएंगे। खुद को मां भारती के लिए खपा भी कैसे पाएंगे। मैं जरा ऐसे लोगों को आज एक करारा जवाब देना चाहता हूं, आप मेरा साथ देंगे? आपकी आवाज उनके कानों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये बोलने वालों के सीने पर आपका एक शब्द, एक एक शब्द पहुंचना चाहिए, उनके कान फट जाने चाहिए। भारत के प्रति उनका जो भाव है, उसको गहरी चोट लगनी चाहिए। आप बोलेंगे? बोलेंगे? जोर से बोलेंगे? हाथ ऊपर करके दोनों मुट्ठी बंद कीजिए। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, किसी भी जाति से पहले, किसी भी पंथ से पहले हम भारतीय हैं, हमारी पहचान भारतीय है। मां भारती की सेवा, उसकी साधना की इस भावना के साथ ही बीते 5 वर्षों में पूरी ईमानदारी से मैंने आपकी सेवा करने का प्रयास किया है। इसी सेवा भाव से देश का विकास होता है।